प्यार और दोस्ती दो अलग अलग चीजें होती हैं। पर मैंने तो सुना है कि अगर दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है तो वो प्यार में बदल जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अच्छा, एक बात का जवाब तो प्लीज दीजिए ना, क्या प्यार सिर्फ एक बार हो सकता है? क्या इंसान को दोबारा प्यार नहीं हो सकता? क्या एक से ज्यादा लोग आपकी लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते? गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा, चैनल किस्से कहानी और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर लौट आई हूँ लेकर आपके लिए नॉवल यू आर द बेस्ट फ्रेंड, जिसे लिखा है अजय के पांडे ने, उसकी समरी का नेक्स्ट पार्ट। प्यार और दोस्ती के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और चलिए फिलहाल शुरू करते हैं नॉवल की समरी। नॉवल जो कि बेस्ड है दो लोगों की दोस्ती पर, दोस्ती अजय की और अनीशा की। दोस्ती सेकुलर होती है, उसकी कोई जात बिरादरी नहीं होती, और ऐसी ही एक दोस्ती के बारे में इस नॉवल में बात हो रही है। अजय जिसने अपनी वाइफ को खो दिया था, उसे डेंगू हो गया था, और उसने अपनी वाइफ और अपनी कहानी पर एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है यू आर द बेस्ट वाइफ। और अजय इस बुक को बेस्ट सेलर बुक की लिस्ट में देखना चाहता है, पर उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोग बुक को पसंद तो कर रहे हैं पर ठीक से पढ़ भी नहीं रहे, और कमेंट कर रहे हैं जो अजय को बहुत हर्ट कर रहा है। इस समय अजय की मदद कर रही है अनीशा, जो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। अनीशा ने आज अजय को दिल्ली हाट बुलाया था, उसे कुछ शॉपिंग भी करनी थी और ये लोग कुछ टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। अजय को शॉपिंग बहुत बोरिंग लगती है, पर अनीशा के लिए ये उतनी इंटरेस्टिंग है जितना कि रामदेव के लिए योगा करना। कुछ देर के बाद अनीशा ने फाइनली कह ही दिया कि अजय तुम बहुत बोरिंग हो। अजय ने कहा, हाँ अगर शॉपिंग की बात करो तो सच में मैं बोरिंग हूँ। ये दोनों वहाँ एक चाय की स्टॉल पर बैठ गए थे। चाय को देखते ही अजय का मूड अच्छा हो जाता है। तब अनीशा ने उसका फेवरेट टॉपिक शुरू किया, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारी बुक के लिए एक मिनी लॉन्च रखें, कॉफी विद योर फेवरेट ऑथर, कॉफी विद अजय के पांडे। अजय ने कहा कि ये आइडिया तो बहुत ही बकवास है, कोई मेरे साथ कॉफी पीने क्यों आएगा, कोई मुझसे मिलने क्यों आएगा। अनीशा ने कहा, क्यों, तुम्हारी बुक इतनी अच्छी है, तुम्हारे बहुत सारे फैंस बन चुके होंगे और वो तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे। अनीशा तो ऐसे बात कर रही है जैसे अजय कोई सेलिब्रिटी बन चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं था और उसे इस तरह के लॉन्च में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा कि ये बहुत चीप लगेगा, मेरी बुक एक सच्ची कहानी है, प्यार की कहानी है, लॉस की कहानी है, उसकी हम इस तरह से पब्लिसिटी करें तो ये ठीक नहीं होगा। पर अनीशा वो कहां मानने वाली है। अजय ने पूछा, कॉफी के पैसे कौन देगा। ओह माय गॉड, तुम कितने कंजूस हो। अनीशा उस तरह की लड़की है जो करना चाहती है वो करके रहती है, और उसने फाइनली अजय को कन्विंस किया कि हम ये मिनी लॉन्च करेंगे, इसे हम बुक लॉन्च का नाम नहीं देंगे, इसे हम नाम देंगे डेट विद योर फेवरेट ऑथर, कॉफी विद अजय के पांडे। अजय को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वैसे भी उसे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं, उसे तो चाय पसंद है। अगर कुछ ऐसा करना ही है तो वो करना चाहेगा टी एंड पार्ले जी विद पांडे जी, पर कॉफी कूल लगती है और आजकल लोगों को कॉफी ज्यादा पसंद होती है, तो उसे अनीशा की बात ही माननी पड़ी और डिसाइड हुआ कि वैलेंटाइन डे वाले दिन रखा जाएगा ये मिनी लॉन्च, जो होगा सीसीडी क्लॉट प्लेस में, और इसके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी शुरू कर दी गई। अजय की एक फोटो खींची गई कॉफी के साथ और अनीशा ने कहा, तुम बहुत कूल लग रहे हो, जेम्स बॉन्ड लग रहे हो। अजय सुनकर हंस रहा था। पोस्ट पर अजय के पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वो दिल्ली से दूर है इसलिए इस डेट पर नहीं आ पाएंगे और उन्हें इस बात का बहुत दुख है। कुछ लोगों ने लिखा कि हम पक्का आएंगे। खुश ने पूछा, क्या मैं अपनी फ्रेंड्स को लेकर आ सकती हूँ। कोई पूछ रहा था, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ सकती हूँ। कोई पूछ रहा था कि आप गुड़गांव में लॉन्च कब रखोगे, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माय ड्रीम ऑथर। इस तरह के कमेंट्स पढ़कर अजय को थोड़ा सेलिब्रिटी जैसा फील होने लगा था, वो खुश हो गया था, एक्साइटेड था इस कॉफी डेट के लिए। 14 फरवरी को वो सुबह ही अपना फॉर्मल सूट पहनकर तैयार हो गया था कि अनीशा का फोन आ गया। उसने कहा, कैजुअल कपड़े पहनना, एक प्लेन टी शर्ट और जैकेट और जीन्स,
फॉर्मल कपड़े बिल्कुल मत पहनना। अजय अनीशा से इस बात पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि फैशन के बारे में उसकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल है। खैर, तैयार होकर जब अजय बाहर जा रहा था तो माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो मेरी बुक का मिनी लॉन्च है। वो लड़की भी आएगी? कौन लड़की? और फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए अजय वहाँ से निकल गया था। जब वो सीसीडी पहुंचा था और उसने अनीशा को देखा था तो दंग रह गया था। अनीशा, जिसने व्हाइट कलर की नीलन ड्रेस पहनी थी, अपने कर्ली बालों की एक पोनीटेल बनाई थी जिससे उसका नेक और ज्यादा सेक्सी लग रहा था, एक पर्ल्स का नेकलेस पहना हुआ था, हाथ में मल्टी कलर्ड बैंगल्स, सिल्वर कलर की हाई हील्स और हाथ में थी अजय की बुक की 5 कॉपीज। वो अजय की एक बहुत बड़ी फैन भी लग रही थी और इस लॉन्च की ऑर्गेनाइजर भी। वेटर ने पूछा था, सर कितनी चेयर्स लगा दूं? जिस पर अनीशा ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट 15 तो लगा ही दो। सीसीडी में एक कॉर्नर पर एक बड़ी सी टेबल और उसके आसपास 15 चेयर्स रख दी गई थी। टाइम था 5 बजे का, 5 बज चुके थे। अनीशा ने कहा, तुम थोड़ा सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करो ना, क्या यहाँ पर खड़े हुए हो? जाओ 10-15 मिनट बाद आना, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। और याद रहे, हम एक दूसरे को नहीं जानते। अजय मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया था। वैलेंटाइन डे वाले दिन नॉर्थ प्लेस में बड़ी चहल पहल थी। टाइम देखा, 5:20 हो गए हैं, कोई कॉल ही नहीं आया। उसने सोचा, खुद ही चलता हूँ। दिमाग में चल रही थी बहुत सारी बातें। जैसे ही वो सीसीडी का दरवाजा खोलेगा और तालियां बज रही होंगी, हूटिंग होना शुरू हो जाएगी, लोग सीटियां बजाएंगे, लड़कियां अजय को हग करेंगे और लड़के उसके पैर छूने लगेंगे। वहां शायद सीसीडी वाले उसे कॉफी के पैसे भी ना ले, उनको इतनी पब्लिसिटी जो मिल जाएगी। ये सोचते हुए अजय ने दरवाजा खोला सीसीडी का, तो सामने उसकी फैन, जिसके हाथ में 5 कॉपीज और बाकी 14 चेयर्स खाली थी। लॉन्च शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। टाइम 5:35। अनीशा ने कहा, यार बहुत ट्रैफिक भी तो है आज। अच्छा, तो क्या उसकी वजह से कोई भी नहीं आ पाया होगा? बैठते हैं ना, आप लोग कॉफी लेंगे? हाँ, हमारे लिए 2 कॉफी ले आओ। कॉफी पीते हुए अजय और अनीशा ने फोटोग्राफ खिंचवा ली थी, एक फोटोग्राफ वेटर के साथ भी खिंचवा ली थी। 6 बज गए थे, अब लॉन्च का टाइम खत्म हो चुका था और अजय बहुत डिप्रेस था। अनीशा उसे चीयर अप करना चाहती थी। उसने अजय के हाथ में एक कार्ड दिया। वैलेंटाइन डे वाले दिन एक लड़की? अजय ने कहा, ये क्या है? मेरे भाई की शादी का कार्ड, बताया था ना तुम्हें उस दिन मेरे भाई की शादी होने वाली है। अजय कार्ड खोलने लगा तो अनीशा ने कहा, इसे बाद में खोल लेना ना, अभी तो ये लगेगा वैलेंटाइन डे वाले दिन तुम्हें कार्ड मिला है वैसा। अजय मुस्कुरा दिया। अनीशा के पास हर प्लान पहले से ही होता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, ये आइडिया फ्लॉप है। अरे ठीक है ना, आज वैलेंटाइन डे है। हाँ, और तुम ऑथर के साथ डेट पर हो, अजय ने कहा। तभी वेटर एक बंदे को इन लोगों की तरफ इशारा कर दिखा रहा था। ये दोनों नर्वस हो गए थे। अभी तक तो नर्वस इसलिए हो रहे थे कि कोई नहीं आया था, अब किसी के आने पर भी नर्वस हो रहे थे। उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम समीर है और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। अनीशा ने मोर्चा संभाला और कहा कि तुम थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, सब लोग वापस जा चुके हैं। उसने कहा, I'm so sorry, but I'm so excited to meet my favorite author, meet my dream author. उसने अजय के साथ फोटो खिंचवाई थी, उसकी बुक की कॉपी साइन करवाई थी और घर जाकर उसने फेसबुक पर पोस्ट भी डाली थी और उस दिन की पिक्चर्स भी डाली थी। उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, You are so lucky, I feel so bad that I missed this golden opportunity. Oh my God, ये नेक्स्ट लॉन्च कब होगा? मैं पक्का जाने वाला हूँ। अजय को ये सारे कमेंट्स बेमानी लग रहे थे। उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया था। मार्च 2016, बुक लॉन्च को 5 महीने हो चुके थे। अजय की जिंदगी में अपने फैंस के मैसेजेस पढ़ना और कुछ बुक्स पढ़ने के अलावा कुछ नहीं था। घर में बहुत शांति रहती थी। मॉम उससे बात करने की कोशिश करती थी पर अजय जवाब ही नहीं देता था। डैड को डायबिटीज हो गया था और वो काफी बीमार रहने लगे थे। अजय को अच्छा नहीं लग रहा था
कि उसकी वजह से उसकी मॉम यहाँ है और डैड सफर कर रहे हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो एक शेयर्ड अपार्टमेंट में चला जाए, एक रूम ही उसके लिए काफी होगा, और मॉम को डैड के पास भेज दे। इसी महीने में सडनली बुक की सेल ट्रिपल हो गई थी। दो बार तो पब्लिशर को जल्दी में बुक्स प्रिंट करनी पड़ी थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स अजय के पास आते थे। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, योर बुक मेड मी सो इमोशनल एंड आई क्राइड अ लॉट। मेरे फादर की डेथ को 6 महीने हो चुके हैं एंड योर बुक गेव मी द स्ट्रेंथ। अजय से बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। अजय ये सब कुछ पढ़कर और ज्यादा डिप्रेस हो जाता था। उसके घर में दवाइयों का डिब्बा बढ़ता जा रहा था, हर तरह की दवाई थी उसके पास, चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो या फिर आयुर्वेदा, कोई चीज उसने छोड़ी नहीं थी। हर तरह की कोशिश उसकी मॉम ने की थी कि वो ठीक हो जाए, बाहर जाने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे। अजय इंदिरापुरम के एक शेयर्ड फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। मॉम को आज वापस जाना था, टिकट्स बुक हो चुकी थी। ऑफिस से आने के बाद उसने मॉम से कहा चलने के लिए, तब मॉम जिनके पास 1000 questions थे, अजय अकेला कैसे सर्वाइव करेगा। पिछले 2-2.5 सालों से वो अजय के साथ रह रही थी, अब उसे अकेला छोड़कर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, पर डैड को उनकी जरूरत थी। उन्होंने अजय से पूछा, तुम्हारा सर्दियों का सामान मैंने कहाँ पर रखा है। मॉम मैं देख लूंगा, मैं 31 साल का हूँ। मुझे पता है तुम कितने साल के हो, बताओ कहाँ रखा है। अजय ने कहा बेड बॉक्स में। अच्छा और कौन से वाले, राइट या लेफ्ट। राइट। मॉम ने एक बार फिर अजय को सब कुछ समझाया, बताया कि उसका सारा सामान लेफ्ट बॉक्स में है और राइट बॉक्स में सामान है भावना का। किचन में सबको समझाया और अजय कह रहा था जल्दी चलो, तब मॉम ने कहा एक बात कहूं। अजय ने पूछा हाँ बोलो। वो भावना के कपड़े टाइम के साथ सारे खराब ही तो हो जाएंगे, तुमने क्यों संभाल कर रखे हैं, इससे अच्छा उन्हें किसी को डोनेट कर दो। मॉम ये सारी पर्सनल चीजें हैं, आप रहने दो ना, प्लीज चलो देर हो रही है, अजय ने कहा। अच्छा कम से कम उसका चश्मा तो मुझे दे दो। मॉम की बात सुनकर अजय गया और कबर्ड में से भावना का चश्मा ले आया और मॉम के हाथ में दे दिया। पूछना तो चाहता था क्यों, पर मॉम बहुत इमोशनल हो रही थी, अब न रोना चाहता था न रुलाना चाहता था। दोनों कार में बैठ गए थे और स्टेशन की तरफ जा रहे थे। मॉम भी बहुत इमोशनल थी और अजय भी। अजय ने म्यूजिक थोड़ा तेज कर दिया था ताकि अपने इमोशंस छुपा सके। उसे कुछ बात नहीं समझ में आ रही थी, तब उसने मॉम से पूछा था आपने चश्मा क्यों लिया भावना का। मॉम जिन्होंने अभी तक आंसू रोके हुए थे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा जब मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ तो वही तो थी मेरे साथ, तो आप अपने लेंसेज में उसका फ्रेम डालना चाहती हो। नहीं नहीं ये फ्रेम मुझ पर कहाँ अच्छा लगेगा, बस उसकी याद के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। अजय सोच रहा था अभी तो ये मुझे उसकी चीजें डोनेट करने को कह रही थी, अब उसकी चीजें संभाल कर रखने की बात कर रही हैं। मॉम्स मॉम्स ही होती हैं, पर आंसू अजय के लिए भी रुकना मुश्किल हो गया था। ये लोग रेलवे स्टेशन 1/2 घंटा पहले पहुंच गए थे। मॉम का सारा सामान सेट कर दिया था। मॉम बहुत ज्यादा चुप थी, उसकी किसी बात का ठीक से जवाब भी नहीं दे रही थी। उसने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश की थी, मोनू की शादी के बारे में पूछा था, शायद अब मॉम कुछ बोले, पर तब भी नहीं बोली। अजय समझ पा रहा था कि वो उसे कुछ कहना चाहती हैं। अजय ने कहा मॉम अब ट्रेन जाने का टाइम भी हो गया है और बाहर बहुत ट्रैफिक भी होगा, टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा, मैं फिलहाल निकलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। उन्होंने अजय की तरफ देख कर कहा वो लड़की जो तुम्हें प्रयागराज में मिली थी वो बहुत अच्छी है। मॉम आपको कैसे पता कि वो अच्छी है। हाँ तभी तो 3 साल बाद मैं अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देख पाई हूँ। तो आपको खुश होना चाहिए ना कि आपका बेटा खुश है, ये कहते कहते अजय ट्रेन से उतर रहा था, तब मॉम ने उसका हाथ पकड़ कर कहा जात बिरादरी की बिल्कुल चिंता मत करना, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम उस लड़की से शादी कर लो। ट्रेन चली गई थी, अजय की आंखों में आंसू थे, सोच रहा था कि प्यार
हर किसी को सेकुलर बना देता है। अप्रैल के महीने में अजय की बुक की सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में थर्ड नंबर पे आ गई थी। उसे पब्लिशर ने कॉल भी किया था। तब अजय ने उससे बहुत सारे सवाल भी पूछे थे कि आखिर कौन सी एज के लोग उसकी बुक ज्यादा पढ़ रहे हैं, आखिर कौन से एरिया में उसकी बुक ज्यादा पढ़ी जा रही है। पब्लिशर ने कहा था कि दिल्ली में उसकी बुक ज्यादा पढ़ी जा रही है। अजय ने पूछा था स्टोरी दिल्ली की है इसलिए। पब्लिशर ने कहा कि हो सकता है, पर दिल्ली में तुम्हारी बुक की बहुत ज्यादा डिमांड है और अगली बुक के लिए भी हम तुम्हें साइन करने को तैयार हैं। अजय सोच में पड़ गया था, क्या वो एक और बुक लिखेगा। पब्लिशर ने कहा जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारी कहानी लोग सिर्फ इसलिए नहीं पसंद कर रहे कि वो एक सच्ची कहानी है, इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये कहानी तुमने दिल से लिखी है। मैं आ गया था और अनीशा के भाई की शादी थी। अनीशा ने अपने भाई की शादी पर अजय को इनवाइट किया था और उसे कहा था कि उसे जरूर आना होगा। अजय के लिए शादी अटेंड करना, फंक्शन अटेंड करना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अनीशा के लिए वो इतना सैक्रिफाइस तो कर ही सकता है, आखिर वो उसकी एक अच्छी दोस्त है। वो तैयार होकर अनीशा के भाई की शादी में पहुंच गया था। अनीशा जो कहती है हम बहुत सिंपल लोग हैं, शादी तो बहुत लेविश तरीके से की गई थी। हाँ, नॉन वेज नहीं था, ड्रिंक्स नहीं थे, बट और किसी चीज की कमी भी नहीं थी। बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत सारा पैसा शादी पर खर्च किया गया था, ये देखकर ही समझ में आ रहा था। अजय ने अनीशा को कॉल किया तो वो पार्लर में थी। अजय वहीं इधर उधर घूमने लगा, उसे यहाँ पर आउट ऑफ प्लेस महसूस हो रहा था, किसी को जानता जो नहीं था। जब अनीशा आई तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत खूबसूरत लहंगा पहना था, बाल बनाए हुए थे, मेकअप किया था, गले में एक बहुत खूबसूरत नेकलेस पहना था, हाथों में बहुत खूबसूरत चूड़ियां पहनी थी। ओवरऑल वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने अजय को बहुत सारे अपने रिश्तेदारों से मिलाया भी था, ये कहकर कि ये वही है जिसने बुक लिखी है। अजय बहुत एम्बैरस हो रहा था। अनीशा की बहन तो उसे ऑथर साहब कहकर बुला रही थी। फिर अनीशा को कुछ सेरेमनीज के लिए बुला लिया गया। उसके बाद अजय ने देखा कि एक लड़के के साथ वो कुछ ज्यादा ही करीब है, उसके साथ स्टेज पर डांस कर रही है। अजय को जेलस महसूस होने लगी, पता नहीं क्यों पर अजय को ये अच्छा नहीं लग रहा था। तब अजय के साथ अनीशा की सिस्टर मनीषा थी, जिसने अजय की बहुत तारीफ की थी, उसकी बुक की बहुत तारीफ की थी। और जब अजय ने उसे पूछा था तो उसने बताया था कि अनीशा हर किसी से कहती है कि वो तुम्हारी बुक जरूर पढ़े। इस तरह से उनकी फैमिली में ज्यादातर सब ने अजय की बुक पढ़ी है। अजय ने जब पूछा था उस लड़के के बारे में, तब मनीषा ने बताया था कि वो उसके भाई के ससुराल साइड से है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उस लड़के का नाम है राहुल। अनीशा राहुल को भी अजय से मिलवाने लाई थी। राहुल ने कहा था कि अनीशा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है और हर किसी को तुम्हारी बुक पढ़ने के लिए कहती है, और एक्चुअल में तुम्हारी बुक है भी बहुत अच्छी। अजय मुस्कुरा दिया था, पर राहुल की एक बात अजय को बहुत बुरी लगी थी, जब राहुल ने पूछा था कि अब तुम्हारा डिप्रेशन कैसा है। ये तो प्राइवेट मैटर्स होते हैं ना, जो आप सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करते हो। क्या अनीशा को ऐसे अजय की प्राइवेट बात हर किसी से शेयर करनी चाहिए। अजय को बहुत बुरा लगा था और उसने कहा था कि अब मुझे जाना होगा। मनीषा ने उसे रोका था, कहा था इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तब अजय ने कहा था कि बहुत दूर जाना है, कम से कम 2 घंटे लगेंगे, इसलिए उसे अब निकलना होगा। मई में ही अजय के ऑफिस में एक पार्टी थी। यूं तो अजय को ऑफिस की पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक्स होती हैं, लोग प्रमोशंस के बारे में, अप्रेजल्स के बारे में, आगे लाइफ के क्या प्लान्स हैं उनके बारे में ही बात करते हैं। ये सब बातें अजय को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर उसके ऑफिस का एक कुलीग संजू, जो कि उसका एक अच्छा दोस्त था, वो ऑफिस छोड़कर जा रहा था, इसलिए उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी और अजय को इस पार्टी में जाना पड़ा। जब अजय वहां पहुंचा तो हर कोई ड्रिंक कर रहा था। अजय को हर कोई फोर्स कर रहा था ड्रिंक करने के लिए, पर अजय को ड्रिंक करना नहीं पसंद। वो संजू के पास चला गया, जो एक कोने में खड़ा लगातार जाम के बाद जाम पी रहा था। उसने अजय को कहा, यार तू बड़ा लकी है। अजय सोचने लगा, मैं और लकी? कहते हैं कि जो इंसान ड्रंक होता है वो जो बोलता है सच ही बोलता है, इसलिए उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अजय ने भी संजू की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। तब संजू ने कहा, मैं समझाता हूँ कैसे।
अब मैं यहाँ से घर जाऊंगा, मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करेगी। रोज लड़ाई करती है, कुछ ना कुछ डिमांड करती है और मैं वो नहीं कर पाता। ना डिप्रेशन होता है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, इतने सारे बर्डन हैं। और तुझे क्या, तुझे कोई चिंता नहीं, तू घर जाकर आराम से सो सकता है। तुझे कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई तेरे साथ लड़ाई करने वाला नहीं है। कितना लकी है ना तू। अजय ने इस प्रोस्पेक्टिव से तो अपने बारे में कभी नहीं सोचा था। तब संजू ने कहा, यार मेरी एक बहन है, बहुत खूबसूरत है, मोना नाम है उसका। अजय समझ रहा था कि ये कन्वर्सेशन किस तरफ जा रही है। एक बार तो उसकी फोटो देख ले, अगर तुझे पसंद आए तो बात करियो। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बहन से शादी कर ले। शादी? पर मैं शादी नहीं करना चाहता, अजय ने कहा। अरे यार एक बार फोटो तो देख, बहुत खूबसूरत है। संजू ने अजय को फोटोग्राफ दिखाई। एक्चुअल में वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, पर अजय को कोई इंटरेस्ट नहीं है। संजू ने कहा, अभी तो तुझे लड़की मिल भी जाएगी, पर जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ेगी, बहुत मुश्किल होता है शादी करना, बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए पार्टनर ढूंढना। तू एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तू मेरी बहन से शादी कर ले। पर तुझे कैसे पता कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अजय ने पूछा। यार तू शराब नहीं पीता ना? अजय सोच में पड़ गया कि जो इंसान लगातार एक के बाद एक जाम खाली करता जा रहा है, उसे लगता है कि शराब ना पीने वाले लोग अच्छे होते हैं। तब जो बात संजू ने कही वो अजय को बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। संजू ने कहा, कम से कम मेरी बहन सेकंड हैंड तो नहीं है। अजय अपनी तरफ देखने लगा, क्या मैं सेकंड हैंड हूँ? क्या मुझे अब चीजों या फिर मशीनों की तरह तोला जाएगा? क्या अब मुझे जज करने का क्राइटेरिया डिफरेंट हो चुका है? अगले दिन जब अजय डॉक्टर के पास पहुंचा तो बाहर एक लड़की थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। अजय उसकी तरफ देख रहा था कि इसे क्या तकलीफ होगी। अब आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास आए हो तो इसका मतलब कोई दिमागी परेशानी ही होगी। अजय ने उसकी तरफ देखकर उसे हाय कहा, पूछा, आपने क्या खो दिया है? उस लड़की ने अजय से पूछा तो अजय ने कहा, मैंने अपनी वाइफ को खो दिया है। उस लड़की ने कहा, मैंने अपने परिवार का ट्रस्ट खो दिया है, उनका विश्वास खो दिया है, उनका साथ खो दिया है। अजय ने पूछा, ऐसा क्यों? जिस पर उस लड़की ने कहा, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। अजय ने HIV के बारे में बहुत कुछ सुना तो था, पर आज तक कभी भी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे HIV हो। अगर HIV है तो क्या लोग बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं? आपको डिप्रेशन तक हो जाता है? वो लड़की अजय से बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो जब क्लिनिक के बाहर जा रही थी तब जाते जाते उसने अजय से कहा था, मैं HIV पॉजिटिव हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं एक आम पेशेंट की तरह हूँ जिसे एक बड़ी बीमारी है। अजय ने सोच लिया था यही है उसकी अगली बुक की इंस्पिरेशन। अजय जब डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने पूछा था कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अजय ने कहा था, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी रिपोर्ट देखकर भी लगता है कि तुम अब पहले से बेहतर हो। डॉक्टर ने दवाई बहुत कम कर दी थी, कहा था कि SOS है, जब तुम्हें नींद ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तब तुम दवाई ले सकते हो, रेगुलरली दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं। अजय ने कहा कि मुझे ये दुनिया बहुत मतलबी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा कि अगली बार जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो तुम कुछ अच्छा काम करो। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत गिल्टी हैं, हमने कुछ गलत काम किया है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो गिल्ट कम हो जाता है। अजय सोचने लगा, क्या मैं गिल्टी हूँ? मैंने क्या गलत किया है? हाल ही में तो मेरी जिंदगी में सिर्फ अनीशा आई है, क्या उसके साथ दोस्ती करना गलत है? अजय बाहर चला गया था, सोच रहा था कि क्या करूं। उसके दिमाग में संजू की बात लगातार घूमती जा रही थी कि वो सेकंड हैंड है। उसने देखा एक ब्लड डोनेशन कैंप, वो वहीं चला गया। उसने कहा कि मैं प्लेटलेट्स डोनेट करना चाहता हूँ। उन लोगों ने अजय का टेस्ट किया और उसके बाद कहा कि तुम प्लेटलेट्स नहीं डोनेट कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे प्लेटलेट्स बहुत कम है, उसके लिए कम से कम 1.5 लाख चाहिए और तुम्हारे 1,20,000 है। अजय को ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी छीन ली हो कुछ अच्छा करने की। उसने प्लीड करना शुरू किया कि प्लीज आप मेरे प्लेटलेट्स ले लीजिए, जिस पर उन्होंने कहा कि तुम ब्लड देना चाहो तो ब्लड दे सकते हो। अजय ने तब ब्लड डोनेट किया था,
ब्लड डोनेट करने के बाद वो घर आ गया था। माँ का ना होना उसे आज बहुत खल रहा था। उसने बुक पढ़ना शुरू किया जिसमें उसका मन ही नहीं लग रहा था। बार बार संजू की बात याद आ रही थी। डिप्रेशन के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कभी आपका मूड ऑफ होता है, कभी मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी आप बहुत सैड होते हो। अजय नहीं समझ पा रहा था। उसने डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां भी खा ली थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने भावना की टी शर्ट निकाली, वो पहनी और उसे हक कर कर पिलो लेकर वो बेड पर लेट गया था और बार बार अपने आप से कह रहा था, मैं सेकेंड हैंड नहीं हूँ मैं सेकेंड हैंड। थोड़े दिनों के बाद अजय अनीशा से मिला था लोधी गार्डन्स में। लोधी गार्डन्स जिसके बारे में शायद आप जानते ही होंगे कि वो बहुत फेमस है। वहां पर बहुत सारे कपल्स आते हैं, इंटीमेट पोजीशंस में आपको मिल जाते हैं। वहां पर वैसे तो योगा भी होता है, वहां पर आप वॉक करने भी जा सकते हो। एक बहुत अच्छा गार्डन है। दोनों वहां पर थे, वॉक कर रहे थे और तब अनीशा ने अजय से पूछा था कि तुम उस दिन शादी से इतनी जल्दी क्यों चले गए। अजय ने कहा, मैं थोड़ा बोर हो रहा था। अजय ने अनीशा से राहुल के बारे में पूछने की कोशिश तो की थी पर अनीशा टॉपिक चेंज करने में बहुत माहिर है। अजय ने उससे पूछा था कि तुमने राहुल को क्यों बताया कि मुझे डिप्रेशन है। अनीशा ने कहा, मैंने नहीं बताया, तुम्हारी बुक पढ़ने के बाद उसने पूछा था कि इस लॉस से कोई कैसे निकल पाया। अच्छा, और तुमने कह दिया कि अभी भी वो डिप्रेशन में ही है। अनीशा ने फिर से टॉपिक चेंज कर दिया, मेरे पापा का 55th बर्थडे है, मुझे शॉपिंग करनी है, चलोगे तुम। राहुल को क्यों नहीं ले जाती, अजय ने पूछा। ये बात सुनकर वो लगातार अजय की तरफ देख रही थी बहुत हैरानी से। उसके बाद इन लोगों ने वॉक कंटिन्यू कर दी। तब एक कपल ने सोचा कि ये लोग भी कपल हैं और इन्हें कहा कि आप उस कोने में जा सकते हो। दोनों बहुत ज्यादा झेप गए थे। आप अपने थॉट्स को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लो पर जब इमोशंस की बात आती है तब आप घुटने टेक ही देते हो। अजय कुछ ख्यालों में खो गया था। तब अनीशा ने पूछा था, क्या सोच रहे हो। उस दिन जब वो घर जा रहा था तब उसने पहली बार रोमांटिक सॉन्ग चलाए थे। घर आकर शीशे में देखा था, अजय एक खुश इंसान दिख रहा था। पहली बार वो अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस कर पा रहा था। देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई डिप्रेस इंसान है। उस दिन उसने एक रोमांटिक बुक भी पढ़ी थी। अजय कई बार सोचता था कि उसे दूसरी बुक लिखनी चाहिए या नहीं। जब उसे लगता था नहीं तभी उसके फैंस के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस उसके पास आ जाते थे और उसे एनकरेजमेंट मिलती थी। एक दिन तो उसने ईमेल खोला तो एक प्रिंसिपल का मैसेज था जिसने लिखा था कि तुम्हारी बुक बहुत अच्छी है और मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया है कि वो ये बुक जरूर पढ़े। अजय ये सारे मैसेजेस पढ़कर सोचता कि उसे अगली बुक जरूर लिखनी चाहिए। वो अपने पब्लिशर के पास भी गया था, पूछा था कितनी कॉपीज बिक चुकी हैं। पब्लिशर ने बताया था कि 50,000 से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और ये बहुत अमेजिंग है। उसे एक न्यूज़पेपर ने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था, एक प्रिंसिपल ने अपने कॉलेज में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाया था। अजय समझ नहीं पा रहा था कि इन सबको क्या कहे। अगली बुक का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। तब पब्लिशर ने कहा था कि अगली बुक भी क्या सच्ची कहानी होगी। अजय ने कहा था, ज्यादा तो नहीं सोचा पर एक HIV पेशेंट के ऊपर लिखना चाहता हूँ। तब पब्लिशर ने एक अजीब बात कही। उसने कहा कि मार्च में तुम्हारी बुक की सेल बहुत ज्यादा बढ़ी थी और जबकि बाकी बुक्स की सेल मार्च में कम हो जाती है। अजय ने पूछा, और इसका कारण क्या हो सकता है। हो सकता है किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट ने अपने बच्चों को रिकमेंड किया हो। अजय ने कहा, मेरे पास एक प्रिंसिपल का मैसेज तो आया था, क्या आप मुझे एड्रेस दे सकते हो। पब्लिशर ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें एड्रेस दे सकता हूँ पर फिलहाल नहीं, मैं एड्रेस सर्च करके तुम्हें जरूर दे दूंगा। अजय के मन में अनीशा के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी और उसे ये गिल्ट भी महसूस होता था। उसे लगता था कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सितंबर का महीना था, भावना की मॉम का बर्थडे आने वाला था। अजय ने सोचा क्यों ना उनसे मिलने जाया जाए। अजय ने उन्हें एक सरप्राइज विजिट दी। उसे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए थे। अजय अभी भी देख सकता है कि उस घर में भावना को कितना मिस किया जाता है। उस दिन उन लोगों ने केक काटा, उसके बाद डिनर किया। जब अपनों के साथ खाना खाया जाता है तो खाना बहुत अमेजिंग लगता है। खाने के बाद भावना के फादर जो कि एक
बहुत ही रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है, 10 बजे ही सो गए थे, वो सुबह 4 बजे उठते हैं। बट अजय और भावना की मॉम, ये दोनों एक रूम में बैठे थे। दोनों के बीच में एक अलग सी बॉन्डिंग बन चुकी है, माँ बेटे का रिश्ता बन चुका है। उन्होंने अजय से पूछा था, बुक कैसी चल रही है? अजय ने कहा था, बहुत पॉपुलर हो गई है, बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ चुकी है वो। उसने बताया था कि बहुत अच्छे अच्छे उसके पास लोगों के मैसेजेस भी आते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि तुम शादी कब करोगे। भावना की माँ ने कहा, हाँ तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अजय। अजय उनके मुँह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ था। उन्होंने कहा था कि भावना मेरी बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करती थी और मुझे लगता था कि तुम बहुत लकी हो जिसे भावना जैसी लड़की मिली। पर अब मुझे लगता है कि भावना बहुत लकी थी कि उसे तुम जैसा इंसान मिला। आज तुम बहुत बदल चुके हो, वो नहीं हो जिसके साथ मैंने भावना की शादी की थी। अजय ने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर ये नकली मुस्कुराहट। अजय कहीं ना कहीं जानता था कि वो सच कह रही हैं। उसके मन में भावना को लेकर डर तो हमेशा रहेगा ना। उन्होंने कहा कि भावना के साथ तुमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, बहुत सारी यादें हैं तुम्हारे मन में भावना की, पर हमें नई मेमोरीज बनाने से अपने आप को नहीं रोकना चाहिए। तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, शादी करनी होगी। अजय ने कहा कि मैं क्यों शादी करूं, मेरे पास इतना प्यार करने वाली माँ है, इतने सारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा, माँ हमेशा साथ नहीं रह पाएगी अजय, और दोस्त भी कब तक साथ देंगे। तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत होगी और तुम्हें शादी करनी चाहिए। तब उन्होंने एक और बात कही थी जिसने अजय को और इमोशनल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि माँ बाप को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई पैसे नहीं चाहिए, उन्हें कोई लग्जरी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ यही चाहिए कि बच्चे उनके लिए टाइम निकाल पाए। तुम्हारे सरप्राइज विजिट ने मुझे बहुत खुशी दी है, थैंक यू सो मच अजय। जब हम दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमारे दोस्त हमारे लिए मरहम का काम करते हैं। ऐसा ही कुछ अनीशा भी कर रही थी। आजकल अजय का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। ह्यूमरस मैसेजेस पढ़ता था तो मुस्कुराता भी था। आजकल वो हंसने भी लगा था। आजकल रोमांटिक गाने भी सुनने लगा था, रोमांटिक नॉवेल्स भी पढ़ने लगा था। जब कपल्स को हाथ में हाथ डाले घूमते देखता था तो उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। आजकल वो कम रोने लगा था और ज्यादा हंसने लगा था। वो जानता था कि अनीशा ने उसे एक फ्रेंड जोन में तो रखा है, पर कौन सा नहीं जानता। इस दोस्ती को क्या नाम दे नहीं जानता था। आज अनीशा ने उसे बुलाया था करोल बाग, उसे शॉपिंग करनी थी ना, पापा का बर्थडे आने वाला है। अजय के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी अनीशा से मिलने की, और वो आजकल इस अपॉर्चुनिटी में बहुत खुश होता था। सुबह से ही वो तैयार होना शुरू हो गया था, अपनी फेवरेट शर्ट निकाली थी, उसे प्रेस किया था, वो पहनकर एक ट्राउजर पहनकर शूज को पॉलिश कर पहना था, बार बार अपना मुंह धोया था और शीशे में अपने आप को देख रहा था। वो एक खुश इंसान लग रहा था, बहुत बदल चुका था। मेट्रो में जब वो अनीशा से मिलने पहुंचा था तो अनीशा एक स्किनी जीन्स और स्लीवलेस येलो टॉप में बहुत स्मार्ट लग रही थी। अनीशा ने यहाँ से एक शर्ट और बेल्ट खरीदी थी अपने पापा के लिए। अजय ने कहा था, तुम गुड़गांव से यहाँ आई हो सिर्फ एक शर्ट और बेल्ट खरीदने? अनीशा ने कहा, नहीं मैं गुड़गांव से यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। अजय चुप हो गया था। फिर अनीशा ने कहा, चलो चाट खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है और यहाँ की चाट बहुत अच्छी है। पर चाट तो चांदनी चौक की ज्यादा अच्छी है, अजय ने कहा। हाँ तो अभी हम यही हैं तो यहीं की खाएंगे ना, क्यों ना हम आज दिल्ली के सारे फेमस जॉइंट्स पर जाएं, अलग अलग तरह की चीजें खाएं, मेट्रो का इससे बेटर क्या यूज कर सकते हैं। अनीशा ने कमर पर हाथ रख लिया था, अजय को देख रही थी। उसके मुंह से ये आइडिया उसे बहुत अजीब लगा था, पर उसने झट से हाँ कह दिया था। अजय ने पूछा था, कहाँ कहाँ जाओगी, जिस पर अनीशा ने कहा था, सबसे पहले तो चांदनी चौक जाएंगे, पराठे वाली गली, उसके बाद लाला बाबू चाट भंडार, वहाँ के गोभी मटर के समोसे बहुत टेस्टी हैं, और फिर विशन स्वरूप की फ्रूट चाट। अजय देख रहा था अनीशा को, उसने सारी चीजें ऐसे बता दी थी जैसे वो कहीं से पढ़कर बोल रही हो। तो तुम्हारी सारी फेमस जगह चांदनी चौक में ही है, अजय ने पूछा। नहीं नहीं, उसके बाद हम पंडारा रोड भी जाएंगे ना कुल्फी खाने। ये लोग मेट्रो में चांदनी चौक पहुँचे, वहाँ की फेमस चीजें खाने के बाद 2 घंटे बाद ये लोग बहुत थक चुके थे। अनीशा ने अजय से पूछा था, तुम थक गए हो? अजय ने कहा था, हाँ तुम भी थक गई हो ना, अब चलें घर, और मेरी फेवरेट कुल्फी, भंडारा रोड भी तो जाना है। अनीशा से कह रही थी जैसे किसी बच्चे से उसका
बर्थडे गिफ्ट छीन लिया हो। वो हम फिर कभी खा लेंगे, अजय ने कहा। नहीं नहीं, मुझे आज ही खानी है। अनीशा ने एक ऑटो बुलाया और उसमें बैठकर ये लोग पंडारा रोड पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने कुल्फी ले ली थी। अजय के लिए अब कुछ भी खा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था। आज अनीशा का बिहेवियर बहुत अजीब था। वो बहुत ज्यादा चुप चुप थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अजय सोच रहा था, अनीशा आज ही सब कुछ क्यों करना चाहती है? क्या कल नहीं आएगा? अनीशा ने कहा, इंडिया गेट चले। इंडिया गेट? 8 बज चुके हैं अनीशा, तुम्हें घर नहीं जाना। यहाँ से तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे गुड़गांव पहुँचने में। हाँ, पर मुझे वॉक करनी है तुम्हारे साथ, 1/2 किलोमीटर ही तो है, चलो ना। अजय और अनीशा वॉक करते हुए इंडिया गेट पहुंच गए थे। वहां पर इंडिया गेट के सामने अनीशा बैठ गई थी और लगातार उसी को देखे जा रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। अजय उसे उसकी सोच से बाहर निकालना चाहता था। उसने देखा 9 बज चुके हैं, अब कुछ ही देर में दोनों अलग होने वाले हैं। अजय को भी तो अनीशा को एक बुरी खबर देनी थी। अजय ने कहा, अनीशा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, क्या? बोलो। मैं पूना शिफ्ट हो रहा हूँ। पूना? क्यों, क्या हुआ? अनीशा बहुत हैरान हुई थी। तब अजय ने बताया था कि उसे एक नई जॉब मिल गई है पूना में, जो बहुत बेहतर है, इसलिए वो अब पूना शिफ्ट होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। पर ये कंग्रेचुलेशंस कितना हॉलो था, अजय देख सकता था। तब अनीशा ने कहा, मुझे भी तुमसे एक सीरियस मैटर डिस्कस करना है अजय। अजय को इसी बात से डर लग रहा था कि अनीशा के मन में कुछ है जो वो उसे कहना चाहती है। अजय ने सर हिला दिया। तब अनीशा ने कहा, तुम दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोच रहे? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? आई मीन, अजय, तुम्हारी जिंदगी एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ पर आ चुकी है। तुम मेरी उम्र के बारे में बात कर रही हो? अजय ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। तुम अब पूना चले जाओगे, वहाँ तुम किसी को नहीं जानते होगे, कोई नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें एक दोस्त चाहिए ना, पूरी जिंदगी के लिए। पर तुम क्यों मेरी शादी के बारे में बात कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं शादी नहीं करना चाहता। अजय, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहती हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो और क्या छुपा रही हो? वो लोग पापा के बर्थडे वाले दिन मुझे देखने आ रहे हैं। जानती हो तुम पहले से लड़के को? हाँ, वो राहुल। ओहो, क्या बात है, फिर तो तुम बहुत खुश होगी। अजय, मुझे राहुल से शादी करने का कोई शौक नहीं है, पर मेरे घर वालों ने कहा है कि अगर तुम किसी और लड़के को चाहती हो तो ठीक है, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो राहुल में क्या बुराई है? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? पर तुम्हारी शादी और मेरी शादी, ये दोनों कैसे लिंक्ड है? अजय ने पूछा। अजय, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे अपने वीकेंड्स उसके साथ बिताने होंगे ना, फिर हम दोनों कैसे मिल पाएंगे? ये सुनकर अजय काफी उदास हो गया था। वो जो सारी बातें, वो जो सारे मोमेंट्स उसने अनीशा के साथ बिताए थे, वो सब याद करने लगा था। उसने कहा, तो क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? अनीशा ने अजय का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, आखिरी नहीं, पर इसके बाद हम बहुत कम मिल पाएंगे अजय। प्लीज तुम शादी कर लो अजय, मेरे लिए ना सही, भावना के लिए ही सही। अगर भावना तुमसे बात कर पाती तो वो भी तुम्हें यही कहती। अजय की फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ चुकी थी। उसने कहा, शादी कौन करेगा मुझ सेकंड हैंड से? शादी सेकंड हैंड? मैंने ठीक सुना, तुमने यही कहा, सेकंड हैंड? कभी कभी हमारे अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, और जब कोई कुछ पूछता है तो वो इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है। अजय के साथ भी उस समय ऐसा ही हुआ था, पर अनीशा बहुत हर्ट हो गई थी, अजय देख सकता था, पर उसने सॉरी तक नहीं कहा, वो चुप रहा। अनीशा ने कहा, मैंने तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट की है, हालांकि तुमने आज तक कभी भी अपनी फीलिंग्स मेरे बारे में मुझे नहीं बताई, पर आज जो तुमने कहा ना, उसके बाद तुमने सब कुछ खो दिया है, सारी रिस्पेक्ट खो दी है। तुम कोई चीज नहीं हो जिसे भावना ने खरीद लिया था और अब तुम दोबारा सेल के लिए आ गए हो। तुम अपने आप को इस तरह से सेकंड हैंड कैसे कह सकते हो? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, इतनी छोटी सोच। अजय उस समय बहुत कुछ कह सकता था, पर उसे लगा कि चुप रहना ही ठीक है,
क्या फायदा, बेकार में लड़ाई हो जाएगी। वापस चले, अजय ने कहा। अनिशा ने सर हिला दिया। ये लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अनिशा ने अजय की तरफ देखा था कि शायद वो कुछ कहे, पर अजय अपनी ही तन्हाइयों में जैसे खो गया था। मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अजय ने कहा था कि मैं तुम्हें पहले घर छोड़ आता हूँ, पर अनिशा ने मना कर दिया था। खैर, उसके अंदर इतनी इंसानियत तो थी ही। उसने सोचा कि पहले अनिशा को ट्रेन में चढ़ा दूं। ट्रेन आने में 3 मिनट का समय था। अनिशा ने कहा है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात नहीं है, पर अजय को लग रहा था कि ये आखिरी बार है जो वो इस लड़की को देख पा रहा है। उसे कुछ तो कहना होगा, उसे अपनी फीलिंग्स अनिशा को बतानी होगी। उसने बहुत कोशिश की, उसके बाद सिर्फ वो इतना कह पाया, क्या ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात है? अनिशा चुप रही, वो बहुत ज्यादा हर्ट थी। आपके एक दोस्त की चुप्पी आपको एक दुश्मन के हार्श वर्ड से भी ज्यादा तकलीफ देती है। ट्रेन पास आ चुकी थी। अनिशा ने कहा, मैंने तुम्हारी बुक पूरी पढ़ ली है, और मैंने कहा था ना मैं तुम्हें अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूंगी। जानते हो तुम्हारी बुक का कौन सा पार्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया? अजय अभी भी बिल्कुल चुप था। वो जब तुमने कहा था आई विल नेवर सरेंडर। हम लोगों को सच्चाई से दूर भागने की बहुत आदत होती है। अजय भी यही कर रहा था। वो अनिशा के लिए अपनी फीलिंग्स को हाइड करना चाहता था, उन्हें छुपा लेना चाहता था, किसी के सामने नहीं रखना चाहता था। उसे लगता था कि लोग उसे पता नहीं किस तरह से जज करेंगे, पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसे लोगों की बातें बहुत तकलीफ देती थी। छोटी छोटी बातों में वो नेगेटिविटी ढूंढ ही लेता था। इन दिनों उसने अनिशा को कॉल करना, उसे मैसेजेस करना बंद कर दिया था। अपनी किताबें और अपने फैंस की दुनिया में वो खो चुका था। उसे एक दिन उसके पब्लिशर का मैसेज आया कि बुक पर अब हाईएस्ट सेलिंग बुक का टैग लग चुका है। अजय ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। ये खुशी वो किसी के साथ तो बांटना चाहता है। उसने फटाफट से अनिशा का नंबर मिलाया, फिर जब स्क्रीन पर देखा अनिशा कॉलिंग, उसने फोन काट दिया। वो अनिशा को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, वो अपनी जिंदगी को और मुश्किल नहीं बनाना चाहता, इसलिए उसने अनिशा को कॉल नहीं किया। पर उसके पास अपनी खुशी बांटने के लिए और कोई नहीं था। उसने पब्लिशर को मैसेज किया कि आप उसका एड्रेस बता रहे थे जिसने मेरी बुक्स की सबसे ज्यादा कॉपीज ली हैं। पब्लिशर ने थोड़ी देर में रिप्लाई कर दिया था, वुमेन्स पीजी सेक्टर 40 गुड़गांव। वुमेन्स पीजी, ये देखकर अजय बहुत हैरान हुआ था। उसे लग रहा था कि कोई कॉलेज या फिर स्कूल का एड्रेस होगा। अगले ही दिन जो पूना उसे जॉब मिली थी उसके लिए उसका फाइनल इंटरव्यू होने वाला था गुड़गांव में। उन्होंने लिखा था कि अगर आप पूना रिलोकेट होना चाहते हो तो फाइनली आपको ये इंटरव्यू देना होगा। अजय पूना तो नहीं जाना चाहता, पर इस जगह के साथ इतनी सारी मेमोरीज हैं। ऊपर से उसके डॉक्टर ने भी कहा था जगह बदलने से उसे बेहतर महसूस होगा। वो अगले दिन तैयार होकर इंटरव्यू देने चला गया था। इंटरव्यू के बाद उसके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वुमेन्स पीजी में कोई उसकी बुक्स की इतनी सारी कॉपीज क्यों खरीद रहा होगा। उसने वो एड्रेस गूगल मैप्स पर डाला, दिखा रहा था 8 किलोमीटर। अजय उस एड्रेस पर पहुंच गया था। वो उस पीजी के बाहर खड़ा हुआ सोच रहा था कि इस जगह से किसी ने मेरी बुक की इतनी सारी कॉपीज क्यों ली होंगी। फाइनली उसने हिम्मत जुटाई, बेल बजाई। एक आदमी बाहर आया जो कि शायद वहाँ का केयर टेकर होगा। उसे बहुत रूडली कहा था, हाँ बोलो क्या काम है आपको, किससे मिलना है? अनिशा है? अनिशा कौर? वो तो अभी ऑफिस गई है, बोलो क्या काम है? अजय का शक सही निकला था, उसकी बुक की सारी कॉपीज अनिशा ही खरीद रही थी। क्या आप कोई अमेज़न वाले हो, कोई पार्सल देना है? हाँ मैं अमेज़न वाला ही हूँ, पर पार्सल मुझे कस्टमर को ही देना है। क्यों, अभी तक के सारे पार्सल तो मैं ही कलेक्ट करते आया हूँ। क्या बहुत रेगुलरली पार्सल आते हैं? अजय ने पूछा। हाँ आजकल तो कम आ रहे हैं, पहले रोज एक आता था। अजय वापस अपनी कार में आकर बैठ गया था। अनिशा रोज उसकी एक बुक खरीदती थी ताकि उसकी बुक की सेल्स बढ़ जाए। उसने अपने पूरे परिवार में अजय की बुक बांट दी थी। 5 कॉपीज उस दिन हाथ में लेके आई थी। अब अजय को सब कुछ समझ में आ रहा था। उसने अनिशा से एक दिन कहा था कि वो अपनी बुक को बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में देखना चाहता है। एक सच्चा दोस्ती तो ऐसा कर सकता है, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए
किसी हद तक भी जाए। अनीशा जो अजय के लिए कर रही थी, क्या वो सिंपैथी थी, क्या वो दोस्ती थी, या फिर उससे कुछ और ज्यादा? अजय के लिए सब कुछ डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे जैसे सेकेंड हैंड लड़के से, जिसे क्लिनिकल डिप्रेशन की बीमारी है, कोई क्यों प्यार करेगा? अनीशा उसे पसंद नहीं करती, वो सिर्फ उसे सिंपथाइज करती है। वो एक बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वो किसी हद तक भी गई थी। तभी अनीशा का मैसेज आ गया था व्हाट्सएप पर। हाय अजय, कैसे हो? अजय ने रिप्लाई किया था, हाँ ठीक हूँ। फिर कब जा रहे हो पूना? हाँ, आज मेरा आखिरी इंटरव्यू था, 15 दिन में चला जाऊंगा। तो फिर पार्टी नहीं दे रहे? अजय समझ पा रहा था कि शायद वो एक बार फिर अजय से मिलने के लिए ये बहाना ढूंढ रही है। नहीं यार, पार्टी तो कुछ नहीं। अजय, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अरविंद अंकल की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, आओगे उनसे मिलने? अनीशा अजय से मिलने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, अजय सोचने लगा। फिर अजय ने मैसेज किया, नहीं यार, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, आई एम सॉरी। क्या जाने से पहले बाय चांस तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? अजय ने लिखा, क्यों, कोई काम है या कोई बात शेयर करनी है? अनीशा को शायद ये बात सुनकर दुख हुआ होगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। डैड आ गए थे। आजकल तो अजय एक रूम के फ्लैट में ही रह रहा था, इसलिए डैड उसके साथ ही सो रहे थे। रात को वो बहुत रेस्टलेस था, बार बार वॉशरूम जा रहा था। तब उसके डैड ने कहा था, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अजय ने कहा, नहीं नहीं, अभी सो जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अजय को लगा कि कहीं फिर से शादी का टॉपिक तो नहीं शुरू करेंगे, पर ये मॉम थोड़ी है, डैड है। उन्होंने पूछा कि तुम आजकल क्यों उदास रहते हो? अजय, जो इस समय इमोशनली बहुत वीक था, उसने अपने डैड से कहा था, दुनिया ऐसी क्यों है? मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो भी लोगों को वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो कहते हैं कि तुम अपने डर से बाहर निकल गए। कोई कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं, सब लोग अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं। लड़कियाँ रो लेती हैं, अपना सारा दुख वो दिखा पाती हैं, हम नहीं दिखा पाते, इसलिए बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। क्यों होता है हमारे साथ ऐसा डैड? क्यों, क्यों है हमारी जिंदगी ऐसी? इस समय अजय के डैड भी बहुत इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, जब भावना गई तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। मैं भी बहुत बार अपनी कार रोककर रोता था, बाथरूम में जाकर अकेला रोता था, किसी को अपने आंसू नहीं दिखा पाता था। मैं भगवान को कहता था कि तुमने बहुत बुरा किया, मेरे से मेरी इतनी प्यारी बहू को छीन लिया। पर जब मैं तुम्हें देखता था ना, तो मुझे लगता था कि कम से कम मेरे पास तुम तो हो, मेरा पूरा परिवार तो है। अजय, तुम मेरे बेटे हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। भगवान से नफरत करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, अपने आप में विश्वास करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। माँ को तो मैंने कमजोर बहुत बार देखा था, पर आज पापा को भी बहुत कमजोर देखा था। और अजय ने पापा को हग कर लिया, दोनों की आंखों में आंसू थे। वो बार बार यही कह रहे थे, तुम बहुत स्ट्रांग हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हेट गॉड, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। अजय की सारी पैकिंग हो गई थी और डैड वापस चले गए थे। तब एक दिन बाद अजय को वापस जाना था, उसके दरवाजे की घंटी बजी। कोरियर आया था उसके लिए, वही लेटर जो उसने अरविंद अंकल को दिया था भावना के लिए। वो शायद अनीशा ने उसे वापस भेज दिया था। उसने उस लेटर को बार बार पढ़ा। ये लेटर नहीं है, ये शायद अनीशा का मैसेज है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भावना के सारे कपड़े निकाले थे और उन्हें डोनेट करने चला गया था। वो जानता था कि वो किसी को अपने आप से दूर नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ नए एडिशंस कर रहा है। उसने अनीशा को कॉल किया था, जो करने से वो अपने आप को बहुत समय से रोक रहा था, पर उसका दिल तो यही चाहता था। अनीशा से कहा कि मैं पूना जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अजय ने कार उठाई और वो गुड़गांव के उसी पीछे के सामने पहुंच गया था। अनीशा को मैसेज किया था कि मैं बाहर खड़ा हूँ। उसने रिप्लाई किया, 2 मिनट में आती हूँ। वो अपने आप को शीशे में देख रहा था। अब
सामने वो लड़का नहीं था जिसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, जिसका चेहरा डल हो चुका था, एक छोटा सा पाउच निकला हुआ था। नहीं, ये लड़का बहुत हैंडसम और बहुत कॉन्फिडेंट है। अनीशा वही पिंक शॉल पहनकर आई थी जो अजय ने उसे गिफ्ट की थी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अनीशा ने पूछा। पता नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है। और वो कैसे? अजय, तुम्हारी किताबें हमें बहुत रुलाती हैं। एक ऐसी किताब लिखो ना जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। मैं कोई ऑथर थोड़ी हूँ, अनीशा मुस्कुरा दी। हाँ ठीक है, मैं अगली किताब लिखूंगा जिसकी हैप्पी एंडिंग होगी, क्या तुम उसका पार्ट बनोगी? अनीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आई एम ऑलवेज विद यू। अजय यही सुनना चाहता था। अजय ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, हर इंसान की आपकी जिंदगी में एक अलग जगह होती है, पर सबसे अच्छा होता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे आप जिंदगी भर के लिए अपना दोस्त कह सको। मुझे अपना दोस्त चाहिए पूरी जिंदगी के लिए। अनीशा ने अजय को हग कर लिया और कहा, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह होगी? अजय ने कहा, यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। उम्मीद करती हूँ अजय पांडे की लिखी ये बुक आपको बहुत पसंद आई होगी, उनकी ये कहानी आपको बहुत इमोशनल लगी होगी। कैसी लगी बुक की समरी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इससे भी अलग अलग तरह की नॉवेल्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। स्टे हैप्पी, स्टे फिट, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।